जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अनन मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, एंड मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कीनवा। बेसिकली कीनवा है क्या, जिस तरह से हमारे बाकी सीरियल्स हैं जैसे गंदम है, राइस है, बाकी सारे ओट्स हैं, बार्ले हैं, जितने हमारे बाकी सीरियल्स हैं उसी तरह से एक हमारा सीरियल है कीनवा। ये यहाँ पर बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसके बहुत से फ़वाद हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी वो लोग जो चावल का के बहुत शौकीन है, जो लोग चावल रोज़ाना के बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जिनका चावल बहुत पसंद है, या वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं उनको चावल छोड़ने का कहा जाता है या कम से कम मकदार में उनको कहा जाता है कि वो इस्तेमाल करें और उनसे वो नहीं किए जाते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेट है चावलों की जगह। कीनवा जो है चावलों की जगह एक उनका ऑल्टरनेट ऑप्शन है। वो लोग जो चावलों का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं उसकी बजाय अगर वो कीनवा का इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए वज़न भी उनका सही रहेगा और उनको बहुत सी गज़ाइत जो है वो उनको मिलती रहेगी। इसका इस्तेमाल किया कैसे जा सकता है, इसको सिंपल जिस तरह से हम चावलों को बॉयल करके बनाते हैं, इसको हम इसी तरह से सिंपल बॉयल करके चावलों के मेथड पे हम इसको बनाते हैं और किसी भी सालन के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चावलों की जगह। इसके फ़वाद क्या हैं, देखें इसको हम कहते हैं ये एक सुपर फूड की तरह है, या इसको हम कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट में आ जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। एक कप कीनवा में तकरीबन 8 से 10 ग्राम प्रोटीन्स होती हैं, जो हम तकरीबन अगर 2 या 3 पीसेस चिकन के लेते हैं तो हमें उसमें मिलती है, या एक अंडे में जितनी प्रोटीन होती है उतनी ही प्रोटीन जो है वो एक कप कीनवा में होती है। तो इसमें कार्ब्स यानी कि नशास्ता या कार्ब्स की अमाउंट कम होती है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको हम हाई प्रोटीन फूड कहते हैं। वो लोग जो वज़न का जिन्हों का मसला है, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, वो चावलों को कीनवा से रिप्लेस कर सकते हैं, चावलों की जगह सालन के साथ कीनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बाकी ग्रेन्स या सीरियल्स की को कंपेयर करूं कीनवा से, तो इसमें फ़ाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फ़ाइबर अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से शुगर के मरीज़ों में कहा जाता है कि चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि एक कप चावल जो है वो सफ़ेद चावल अगर शुगर का मरीज़ खा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो 8 से 10 चम्मच चीनी के खा रहा है, यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा शुगर इंक्रीज़ कर देता है वो आपकी ब्लड में। तो इसीलिए अगर हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं कीनवा से, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, यानी कि बॉडी में जाने के बाद आपकी सडन शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इसमें इसी वजह से प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से या कार्ब्स की अमाउंट कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो कीनवा का इस्तेमाल चावलों की जगह कर सकते हैं। वो लोग जो एथलीट्स हैं या जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको वो चावलों की जगह या जैसे इसी को कीनवा को डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीनवा की रोटी बना लें, उसी को कीनवा को ग्राइंड करके उसका फ्लावर बना लें, उसकी रोटी खा लें, उसको रात में हमारे डिनर में यूजली चावल प्रेफर किए जाते हैं, तो चावलों के साथ सालन चावल मतलब कीनवा को एज अ चावल सब्स्टिट्यूट और सालन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से हम उसको सैलड्स के ऊपर बॉयल करके सैलड्स के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो वो लोग जो जिम जाते हैं, जो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और उनको प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, क्योंकि इसमें ये कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें हाई प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन इसको कहा जाता है, तो उसमें जिन लोगों में आयरन या बी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है या जिन लोगों का एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किस किस तरह से करना है, देखें सबसे पहले तो मैंने कहा कि हम इसको सिंपल बॉयल करके चावलों की फॉर्म में बना सकते हैं और चावल के सब्स्टिट्यूट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सालन के साथ। इसी तरह से अगर आप इसको ग्राइंड करते हैं, इसका फ्लावर बना लें, तो उसकी हम रोटी बना सकते हैं, यानी कि कीनवा की रोटी भी सालन के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। ये लो कार्ब होगी और आपका वज़न नहीं बढ़ाएगी और उसको आप रात को या दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी को हम लोग इसके कीनवा के पैनकेक्स भी बना सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट में हमने हेल्दी ऑप्शन देना है तो इसी फ्लावर के हम लोग पैनकेक्स बना लें, उसको फ्रूट्स के साथ और नट्स के साथ हम लोग खा सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग बॉयल करके अपने सैलड्स के ऊपर भी इसको ऐड कर सकते हैं, जो हमारा प्रोटीन यानी कि हमारे मीट या एग का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि ये हाई प्रोटीन है। इस तरह से इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, हम इसको बॉयल करके हम लोग जैसे पास्ता के सब्स्टिट्यूट में या जैसे लज़ानिया बनता है तो लज़ानिया शीट्स के सब्स्टिट्यूट में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।